वेलकम बैक। आज हम कलर फिलिंग करने वाले राधा कृष्ण की इस ड्राइंग में, जिसकी आउटलाइन हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आज हम इस सेकेंड पार्ट में कृष्ण जी की फेस और बाकी के कुछ नेक का एरिया ड्रॉ करेंगे। उसके सेकेंड पार्ट में कम्प्लीट कृष्ण जी और थर्ड पार्ट में वीडियो को कम्प्लीट कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड में हम येल्लो कलर यूज किया क्योंकि लाइट की वजह से कृष्ण जी का जो राइट का जो एरिया था वो काफ़ी लाइट था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को मार्क करते हुए लाइट ब्लू कलर का हमने यूज किया था। स्काई ब्लू कलर से आप बेस लेयर अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो भी डार्क लेयर होगी उसके लिए हम उसकी डीप ब्लू कलर का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें डोम्स कलर पेंसिल में हमें टोटल 12 शेड्स मिलते हैं, तो उसमें बस यही कलर प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके हिसाब से हम कलर और स्किन टोन को मिक्स कलर यूज करके हम करेंगे। जो भी डार्क एरिया है उसे हमने डीप ब्लू से सेकेंड लेयर में अप्लाई किया था, क्योंकि फर्स्ट लेयर हमने लाइट ब्लू एक बार यूज कर लिया था। उसके बाद जो भी डार्क एरिया था, जैसे आई के पास का एरिया, चिक के नेक के एरिया, नोज के का एरिया, ये सब जो भी एरिया हमारा डार्क था उसे हमने डीप ब्लू कलर का यूज करके सेकेंड लेयर के साथ अप्लाई किया था और मर्ज कर दिया था। मर्ज करने के लिए आप व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि इसी में व्हाइट पेंसिल भी दिया जाता है, तो वो मैक्सिमम टाइम स्मजिंग के लिए ही यूज किया जाता है। नेक का एरिया काफ़ी डार्क था, तो यहाँ पे आप एक बेस लेयर हमारा एकदम थिन लेयर आप लो प्रेशर के साथ ब्लैक पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी हमारा ब्लू का होगा सेकेंड लेयर थर्ड लेयर वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप डार्क और लाइट को ऑब्जर्व करके हर एक पार्ट को आप इजिली ऑब्जर्व करके रेफरेंस फिगर से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में हमने जो भी डार्क एरिया था उसे अलग आप देख सकते हैं कलर यूज किया था, लाइट एरिया के लिए अलग, स्मजिंग के लिए व्हाइट कलर यूज किया था, कहीं कहीं हमने ब्लैक भी यूज किया था। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपने रेफरेंस फिगर को और उसके कलर को, उसके कलर टोन को, टेक्सचर को किस तरह ऑब्जर्व करते हैं। जितना ज़्यादा आप डीपली ऑब्जर्व करेंगे वैसा ही टेक्सचर, वैसा ही कलर टोन आप अपने रेफरेंस फिगर और अपनी ड्राइंग पे डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आप फोकस करें कि हम रेफरेंस फिगर को ऑब्जर्व करके बेस लेयर, फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेयर के तरह हम वर्क करें। लेयरिंग प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई हाईलाइट के लिए स्पेस आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर इसमें कोई इरेजिंग का टूल नहीं आता कि आप गलती हो गई तो आप इरेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको पहले से हाईलाइट को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सिंसियरली ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम इसी तरह कंप्लीट ड्राइंग को लेयरिंग प्रोसेस से ड्रॉ करेंगे। आप भी एंड तक वीडियो देखेगा और कोशिश कीजिएगा कि हर एक लेयरिंग, हर एक पार्ट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, और चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम ऐसी इसकी सेकेंड पार्ट अपलोड करें तो वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं पगड़ी वाले एरिया में, तो आप देख सकते हैं कलर लगने की वजह से रेड, ब्लू, येलो है और कुछ वाइट एरिया के साथ लाइट भी है। तो उसी तरह से हमने लेयरिंग प्रोसेस का यूज किया, और आप जब भी गोल्डन पार्ट बनाएं इस 12% शेड से, क्योंकि महंगे शेडिंग्स वाले में तो ऑलरेडी एक कलर ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, बट इसमें जब भी आप गोल्डन कलर का यूज करें तो येलो कलर यूज करें, उसके बाद बेस लेयर अप्लाई करें गोल्डन कलर को अचीव करने के लिए। हम लास्ट में एक नेक का जो एरिया है काफ़ी लार्ज नेकलेस वाला वो ड्रॉ करेंगे, तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कोई भी नेकलेस या फिर गोल्डन ऑर्नामेंट्स होता है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे कि इस वाले पगड़ी में आप देख सकते हैं हमने लेयरिंग प्रोसेस का ही यूज किया था, जहाँ पे लाइट था लाइट दिया, और जहाँ पे सेकेंड लेयर था वहाँ में हमने डार्क प्रेशर के साथ सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर की नीड होने पे हमने अप्लाई किया था। तो एक हमारा टेक्सचर आ जाता है फिगर में कि लुक लाइक अ 3D, कि जैसे ये पार्ट उभरा हुआ है, ये पार्ट नीचे की तरफ है, ये पार्ट लाइट में है। तो वो चीज़ आप इजीली इस लेयरिंग प्रोसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्रॉ करके। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट ड्रॉ किया था लेयरिंग प्रोसेस का यूज करके, और जो भी पगड़ी का एरिया था, फ्लावर था, उस सारे पार्ट्स को हमने ड्रॉ किया था।
हेयर ड्रॉ करने के लिए आप हमेशा हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाएं और एक गैप देके स्ट्रोक्स लगाएं लाइन को, ताकि जो भी हमारा लाइट का वाइट एरिया बचता है उस पर हम स्मजिंग कर दें दूसरे कलर, या फिर आप जो भी लाइट के वजह से ब्राउन कलर या फिर दूसरा कोई कलर ऑब्जर्व हो रहा है तो उस चीज़ के लिए हम फिल कर दें और उसी के तरह डायरेक्शन में हम स्ट्रोक्स लगाएं। जैसे कि इस वाले में लाइट के वजह से कुछ ब्राउनिश हेयर नज़र आ रहा था, तो हमने एक बेस लेयर अप्लाई किया था ब्राउन कलर का, उसके बाद सेकेंड डार्क लेयर हमने डायरेक्ट ब्लैक पेंसिल का यूज करके ड्रॉ किया था। तो वो चीज़ आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि हमारा लाइट के वजह से हेयर का कलर टोन क्या है, कलर की कॉम्बिनेशन क्या है, डीपली ऑब्जर्व करके देख सकते हैं और उसी के हिसाब से आप बेस लेयर और डार्क लेयर का यूज करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे बताया था कि जब भी नेक का जो ऑर्नामेंट्स ड्रॉ करेंगे तो आपको बता देंगे, क्योंकि गोल्डन कलर का कोई स्पेसिफिक पेंसिल इसमें 12 शेड डोम्स वाले में होता नहीं है, तो हम पहले बेस लेयर अप्लाई करेंगे येलो से, उसके बाद एक लाइट लेयर अप्लाई करेंगे ब्राउन कलर का, ताकि हमें एक एकदम डार्क लुक आ जाए, और उसके बाद आप जो भी हमारा लाइट एरिया और डार्क एरिया उसको डिफरेंस करके आप ब्राउन कलर के का पेंसिल का यूज करके हाई प्रेशर के साथ एक गैप ड्रॉ कर सकते हैं और वही गैप एक डेप्थ प्रोवाइड कर देता है ऑर्नामेंट में। और हाईलाइट के लिए आप व्हाइट वाटर कलर का डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी के एरिया को कवर करेंगे और एक्सप्लेन करते हुए आपको पूरे डिटेल में बता देंगे। तो आज तक का ड्रॉइंग यही रहा, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टिल वॉचिंग, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इसकी जब भी हम अगली पार्ट ड्रॉ करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।